हेलो गाइस, वेलकम टू डीलव स्पोर्ट्स। मेरा नाम इमरान है और मेरे इस चैनल पे आपका दोबारा से स्वागत है। बहुत टाइम के बाद मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ, तकरीबन 2 हफ्ते से ऊपर हो गए होंगे। तो थोड़ा सा काम में बिजी था, तो आज मैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें मेरे कुछ नए बैट्स है जो मैं आपको बताऊँगा और उन बैट्स की सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। डिटेल्स के साथ साथ जिस तरह से मैं अपने हर रिव्यू में बैट की पूरी डिटेल आपको बताता हूँ, उसकी क्वालिटी, उसका परफॉर्मेंस, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। अराउंड 4-5 बैट्स हैं आज के वीडियो में हार्ड टेनिस के, तो मैं एक एक बैट्स को आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारी डिटेल्स आपको मिल सके। ओके, चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस तरह के वीडियोस देखने में। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आगे के वीडियोज आपको मिल सके। ओके, चलिए, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज के जो बैट्स है वो है हार्ड टेनिस बैट डबल ब्लेड कश्मीरी विलो, और बैट्स क्या है कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो टोटल आज के वीडियो में 4 बैट्स है, 3 बैट जो है वो सेम डिजाइन में है और जो लास्ट बैट है वो अलग डिजाइन में है। चारों भी स्कूप बैट्स है। तो ये है पहला बैट आज के वीडियो का। इस बैट की डिटेल्स बताने के पहले मैं आपको इसका एक क्लोज व्यू दूंगा। ये है इस बैट का फ्रंट व्यू। तो ये डुअल टोन कश्मीरी विलो है, इसमें आप देख सकते हो कि ग्रेन्स क्लियरली विजिबल है आपको। ये डुअल टोन है, डार्क शेड लाइट शेड का मिक्स है। यह है इसका फ्रंट व्यू, यह है इसका साइड व्यू। आप देख सकते हो ब्लेड अच्छा खासा है, बॉटम भी अच्छा खासा बॉटम है। यह है इसका बैक व्यू। तो यह है सिंगल सी कट डिज़ाइन जिसको बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको नाव कट बोलते हैं, लाइक बोट कट, तो हम लोग इसको सिंगल सी कट बोलते हैं। यह है इसका सेकंड साइड व्यू। ओके, इसका आपको दूर से एक ओवरव्यू बताता हूँ। तो यह है इस बैट का प्रोफाइल, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से बनाया हुआ है, बैलेंसिंग पूरा मिडल में है। यह है आपको 3-पीस फुल कैन हैंडल, 3-पीस सिंगापुर कैंडल है, कैन हैंडल है फुल, एंटी स्किड ग्रिप लगा हुआ है। इसका मैं आपको कॉन्फिग्रेशन बताऊँ तो यह है 50 mm ब्लेड और 1105 ग्राम का इसका वेट है। ये जो भी मैं वेट आपको बताता हूँ ये वेट कभी भी बाद में थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज हम लोगों का जो वेट होता है बैट्स का वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है शुरू में, बिकॉज जो लकड़ी जो होती है वो फ्रेश वुड होता है, तो फ्रेश वुड में मॉइस्चर रहता है जो कुछ दिनों के बाद, जैसे 15-20 दिन के बाद जो है वेट उतरता है। तो ये जो वेट लिखा होता है ये हमेशा फ्रेश जब बैट बनता है तब हम लोग इसका वेट लिखते हैं, तो इसका वेट कभी भी बाद में 10-15 या 20 ग्राम कम होता है। ओके, तो ये आप देख सकते हो 1105 ग्राम का वेट है, 50 mm का थिकनेस है और ये 35 इंच का लेंथ है बैट का। ओके, तो ये था आज का वीडियो का फर्स्ट बैट। ये है आज के वीडियो का सेकंड बैट जो अगेन सी कट डिजाइन है। जैसे मैंने बताया था 4 बैट में से 3 बैट सेम डिजाइन है, लास्ट बैट अलग डिजाइन का रहेगा। तो इसका मैं आपको एक क्लोज व्यू देता हूँ, ये आप देख सकते हो। तो ये सिंगल शेड है, डुअल शेड है पर हल्का सा है बहुत, ठीक है, एकदम क्लीन विलो है। अगेन कश्मीरी विलो ग्रेड 1 बैट्स होते हैं सब, और ये बैट जो होती है सर ये सब प्रेस्ड बैट होती है, मतलब इनको स्कूप करने के पहले प्रेस किया जाता है। ये साइड व्यू, ये इसका बैक व्यू। ओके, ये इसका सेकंड साइड व्यू। राइट, अगेन ये बैट भी 35 इंच है। इसका मैं आपको हैंडल दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये 3-पीस फुल कैन हैंडल है, एंटी स्किड ग्रिप लगा हुआ है। इसका मैं आपको प्रोफाइल बता देता हूँ, ये देखिए इसका प्रोफाइल है, अगेन बैलेंसिंग मिडल में किया हुआ है, स्वीट स्पॉट जो है हिटिंग एरिया अच्छा खासा है, ये आप ब्लेड देख सकते हो। इसका मैं वेट बताऊँ तो ये है 1115 ग्राम, ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और 50 mm का इसका थिकनेस है। थिकनेस जो भी मैं बोलता हूँ, ब्लेड, ब्लेड मतलब ये होता है जो हिटिंग एरिया होता है, काफ़ी लोग ब्लेड मतलब बॉटम समझते हैं, बॉटम नहीं होता है, ब्लेड मतलब ये होता है जो उसका हिटिंग एरिया है। तो ये हिटिंग एरिया इसका 50 mm है और वेट है 1115 ग्राम, ठीक है। आप देख सकते हो कि बॉटम भी काफ़ी क्लियर है, और अगर मैं ऐसा दिखाऊं तो आप देख सकते हो स्लाइट कर्व है बैट को, हल्का सा कर्व है, तो वो भी अच्छा रहता है हिटिंग के लिए। तो ये था आज के वीडियो का सेकंड बैट।
ये रहा आज के वीडियो का थर्ड बैट। अगेन ये भी ग्रीन ग्रिप में है, इसका मैं आपको पहले क्लोज व्यू देता हूँ। ये रहा फ्रंट व्यू, इसमें आप देख सकते हो ग्रेन्स बहुत क्लियर दिख रहे हैं और स्ट्रेट ग्रेन्स है एकदम। ओके, मैं मेरी हर वीडियो में बोलता हूँ गाइस कि कश्मीरी विलो में जरूरी नहीं कि हर वुड में ग्रेन्स होगा एकदम स्ट्रेट, बिकॉज काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बैट में ग्रेन्स दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो कश्मीरी विलो में जरूरी नहीं हर बैट में ग्रेन्स दिखेगा, बट वुड का क्वालिटी डिपेंड करता है जब आप उसको परफॉर्मेंस करते हो, मतलब आप खेलते हो तब समझ में आएगा वुड का क्वालिटी कैसा होता है। ओके, तो ये था इसका फ्रंट व्यू, ये है इसका साइड व्यू। अगेन आप ब्लेड चेक कर सकते हो, ये देखिए मेरी फिंगर में उतारो तो ये दो जो खाने हैं वो कवर हो रहे हैं फिंगर में बाकायदा। ये इसका बैक व्यू, और इसके बैक पे भी आप ग्रेन्स देख सकते हो, विजिबल दिख रहे हैं। ये है इसका सेकेंड साइड व्यू। ओके, अगेन ये भी बैट 35 इंच है, फुल कैन हैंडल है, 3 पीस फुल कैन हैंडल, एंटी स्किड ग्रिप लगा हुआ है इसके ऊपर। ये है इसका प्रोफाइल बैट का, अगेन बैलेंसिंग इसका मिडल में है ताकि हिटिंग एरिया अच्छा मिले। इसका है वेट 1090 ग्राम, ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 1090 ग्राम, और थिकनेस है 50 mm। ये इसका ब्लेड है 50 mm और वेट है 1090 ग्राम। ओके, तो ये था आज का थर्ड बैट। अब मैं आपको आज के वीडियो का जो फोर्थ बैट है, लास्ट बैट, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है आज के वीडियो का फोर्थ बैट, ये 6 फुट में है। इसका मैं पहले आपको क्लोज व्यू देता हूँ, फेस की बात करेंगे आगे की। ये इसका क्लोज व्यू, अगेन डुअल शेड विलो है, कश्मीरी विलो। ये है इसका साइड व्यू, ये है इसका बैक व्यू। ओके, ये 6 कूप बोलते हैं इसको, या 6 नॉचेस भी बोलते हैं बहुत लोग, सो 6 कूप डिजाइन है। ये है इसका सेकंड साइड व्यू। ओके, तो ये जो बैट है, ये रहा इसका प्रोफाइल। ये बैट का प्रोफाइल आप देख सकते हो कि बॉटम फ्लैट है बहुत, कर्व आपको ज्यादा नहीं दिख रहा होगा। ब्लेड को उठाया गया, इसको स्पाइन बोलते हैं, ये जो ऊपर की तरफ उठा होता है इसको स्पाइन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा उठाया हुआ है, बाद में बॉटम से नीचे है, और बॉटम सॉरी जो बेस है इसका, ये एकदम फ्लैट है, आप देख सकते हो। मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ, इससे आपको समझ में आता होगा कि इसमें कर्व कम है। तो काफी लोग जो है फ्लैट बैट प्रेफर करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये चॉइस अच्छा है, वो लोग ये बैट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन बैट की लंबाई है 35 इंच, 35 इंच का बैट है। ये रहा इसका हैंडल, फुल केन 3 पीस हैंडल, सेम क्वालिटी का ग्रिप है, एंटी स्किड ग्रिप। इसका वेट है 1133 ग्राम, ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 1133 ग्राम का वेट है, 48 mm का इसका थिकनेस है। ये ब्लेड है 48 mm। ओके, तो ये था आज का चौथा बैट। अब मैं इन चारों बैट को आपको बैलेंसिंग करके दिखाऊंगा, और एक एक बैट पे आपको मैं टैपिंग करके दिखाऊंगा, और हम लोग टैपिंग करेंगे हैवी टेनिस बॉल से, क्योंकि ज्यादातर जो इंक्वायरीज आती है वो हार्ड टेनिस बॉल के लिए ही आती है। ओके, इसलिए मैं लाइट टेनिस बॉल से टैपिंग नहीं करता हूं, क्योंकि जो हार्ड टेनिस बॉल का बैट है वो लाइट टेनिस बॉल पे इजीली चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट बैट से ही। ये था फर्स्ट बैट जो मैंने आपको दिखाया था, 1105 ग्राम वाला, ये मैं आपको वापस बता रहा हूँ। तो इसकी हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंस वाइज काफ़ी इजीली हैंडल हो रहा है हाथ में, बिकॉज बैलेंसिंग जो मैंने बताया कि इसको मिडल में किया हुआ था, तो बैलेंसिंग की वजह से बैट काफ़ी इजीली हैंडल हो रहा है। इसका मैं आपको अभी टैपिंग करके दिखाऊंगा। ये है मेरे पास हैवी टेनिस बॉल, अराउंड 125-126 ग्राम का बॉल है, इस पर हम लोग इसको पंच करके दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो कि बॉल काफी ऊपर तक जा रहा है, क्योंकि ये जो बैट होता है इसको स्कूप करने के पहले प्रेसिंग किया जाता है, हार्ड प्रेस, उसके बाद उस पर स्कूप होता है। ओके, अभी हम सेकंड बैट दिखाएंगे, ये जो सेकंड बैट मैंने आपको बताया था 1115 ग्राम वाला। ठीक है, ये वाला बैट है, इसकी अगेन बैलेंसिंग मिडल में है, तो शुरुआत में आप जब यूज करोगे तो थोड़ा हल्का हैवी लग सकता है, बट देन आपको एक बार हैबिट हो जाएगी, प्लस ये जो वेट है ये बाद में कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश वुड है।
इसको मैं आपको टैपिंग करके दिखाता हूँ हैवी बॉल से। आप देख सकते हो कि बॉल जो है सरफेस पे लग के जंप हो रहा है सीधा, क्योंकि प्रेस्ड वुड है तो इस पे बॉल लग के उछलता है। ओके, यह है आज के वीडियो का थर्ड बैग जो मैंने आपको बताया था, ये था 1090 ग्राम वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लाइट है, ज्यादा फर्क नहीं है बिकॉज हैंडल की क्वालिटी और हैंडल की जो थिकनेस है वो सब सेम है। वेट थोड़ा 10-15 ग्राम कम ज्यादा होता है, क्योंकि जब वेट जो बैट है वो फाइनल बनता है उसके बाद में वेट डिसाइड होता है। ओके, तो इस पे अभी हम टैपिंग करेंगे हार्ड टेनिस बॉल को, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगेन आप इसमें भी देख सकते हो कि बॉल अच्छा खासा जंप हो रहा है, अच्छा खासा बाउंस हो रहा है। तो ये था तीन बैट्स पे परफॉर्मेंस जो सी कट डिजाइन है। अभी मैं जो लास्ट बैट है फोर्थ बैट जो सिक्स कूप वाला बैट था उसके ऊपर मैं आपको टैपिंग करके दिखाऊंगा। ये हमारा सिक्स कूप वाला बैट जो अराउंड 1133 ग्राम वाला जो बैट था इसके ऊपर अभी टैपिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो क्या गाइस, मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ, बॉल से टप करके बाउंस हो रहा है। तो प्रेसिंग जो है इन बैट्स की काफ़ी अच्छे से की हुई है, जिसके वजह से जब आप इसको बॉल पे जब टप हो रहा है तो बैट से अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। ओके, तो ये थी चारों बैट्स आज के वीडियो की। ये चारों बैट्स सेल के लिए अवेलेबल है, अगर ये सेम बैट आपको चाहिए है तो ये अवेलेबल है अभी। जिस किसी को भी ऑर्डर करना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, इस व्हाट्सएप पे रिस्पांस इजी होता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज़ कॉल्स अवॉइड कीजिए, मुझे दिन भर में अराउंड 200 कॉल्स से ज़्यादा आते हैं, तो कॉल्स अवॉइड कीजिए बिकॉज कॉल पे हर कॉल रिस्पॉन्स करना ईजी नहीं होता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और जिनको ऑर्डर करना है वो जल्दी रिप्लाई कीजिए बिकॉज ये चार बैट्स है, इस डिज़ाइन के और बैट्स होते हैं बट देन अगर ये सेम बैट लेना है तो आप मुझे मैसेज कीजिए ताकि आप ऑर्डर बुक कर सके, बिकॉज जो पहले मैसेज करेगा, जो पहले ऑर्डर करेगा उसको बैट मिल जाएगा। ओके, तो ये बैट आपको कुरियर से आपके एड्रेस तक आ जाएगा। और आपकी कोई इंक्वायरीज होगी या कुछ मैसेजेस होंगे या कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ओके गाइस, चलिए आज के लिए इतना बस। वीडियो एंड करने के पहले मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।